लगभग 280 करोड़ की परियोजनाओं का हिसार में शिलान्यास और उद्घाटन हुआ, जिसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक हमारा एयरपोर्ट को आगे ले जाने का जो सपना है, उसके अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर स्थापित करने की आज नींव रखी गई है और 2 महीने के अंदर उसका कार्य पूरा हो जाएगा। जो हमारा टर्मिनल एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, उसको 200 पैसेंजर की कैपेसिटी की बनाने के लिए आज फाउंडेशन रखी गई है और 3 महीनों के अंदर टारगेट लिया गया कि 15 मार्च से पहले उसका कार्य भी हम संपन्न कर लेंगे। उसके साथ जो नई एयरपोर्ट अथॉरिटी की गाइडलाइंस आई थी, जिसके अंदर रनवे के साथ हमें प्लिंथ बनानी पड़ेगी, उसी कारण 4 महीने हमारा प्रोजेक्ट डिले हुआ नई गाइडलाइंस के लिए, उसकी भी आज फाउंडेशन रख दी गई है। और अप्रैल 1, 2024 की जो होगी, उससे पहले वो कार्य भी संपन्न होगा। मैं मानता हूँ कि जो सोच के साथ इस एविएशन हब को हम बढ़ा रहे हैं, अप्रैल के महीने में हम इसको फंक्शनल कर देंगे। जो लोग धरने पे बैठे थे और जिनकी मांग थी बहुत लंबे समय से, विधानसभा में भी कई बार बात उठी कि तलवंडी राणा दासू की जो एग्जिस्टिंग सड़कें बंद हुई थी, उसके लिए भी आज ऑल्टरनेट सड़क फॉरेस्ट से हमारे पास आ गई है और उसका फाउंडेशन आज रख दिया है। 2.5 से 3 महीनों के अंदर वो रोड भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कनेक्टिविटी जो 5 गांव की आज 7-8 किलोमीटर बड़ी थी, उसको हम छोटा कर पाएंगे। और एक खुशी की बात है, जो हम एक मास्टर रोड बना रहे थे एयरपोर्ट के ऊपर से कनेक्ट करने के लिए बरवाड़ा रोड को और हाँसी रोड को, उसकी मंजूरी NHAI से 3 दिन पहले आ गई कि अब NHAI उसको ओवरटेक करेगी। विद इन अ वीक हम वो जो परचेज लैंड है वो NHAI को हैंडओवर कर देंगे और NHAI उस पर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू करेगी एक्विजिशन की और कंप्लीशन की। मेरा मानना है कि वो कनेक्शन होते ही अपने इस पूरे इलाके को एक रिंग रोड की कंप्लीशन के लगभग हम कनेक्टिविटी दे पाएंगे। इसके साथ साथ हमारे PWD के 3 हफ्ते ऑफिस हिसार में चला करते थे, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल का एक अलग दफ्तर था, इलेक्ट्रिकल का अलग था, मैकेनिकल का अलग था, आज निर्माण सदन के शिलान्यास कर दिया गया और कंसोलिडेटेड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हिसार जिले का एक ही 6 मंजिली बिल्डिंग में बैठेगा। लास्टली जो हमारे रेस्ट हाउस था हिसार का, इसके अंदर रूम्स की बड़ी किल्लत रहती थी और बारी बारी मांग करी जाती थी कि गुड़गांव और पंचकुला के तर्ज पर हिसार के अंदर भी आधुनिक रेस्ट हाउस बनाया जाए। आज 50 कमरे से ज़्यादा की कैपेसिटी, 2 कन्वेंशन हॉल, 3 लॉन्स और साथ में अलाइड इंफ्रा सारा मिलाकर आज हमने उसकी भी नींव रखी है और मैं मानता हूँ कि विद इन अ वीक हम उसका काम भी शुरू होता है। सर, अभय चौटाला ये कहते हैं कि दो